हे गाइस, वेलकम बैक टू शोम क्लासेस। अब अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर थोड़ा सा कैलकुलेशन के अंदर आपको जो है वो ध्यान रखना है, बाकी जो है फॉर्मूला वगैरह जो है वो इसके अंदर ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं रहने वाली है, फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे को डिस्कस करना है, विच यूजेज मोर एनर्जी, हमारे को बताना है कि कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा एनर्जी को जो है वो कंज्यूम करेगा। 220 वोल्ट का हमारे पास एक टीवी है, उसको अगर मैं एक आर के लिए, एक घंटे के लिए चलाऊं तो वो कितना पावर कंज्यूम करेगा, और हमारे पास सेकंड जो है एक टोस्टर है जो कि 2200 वोल्ट जो है वो कंज्यूम करता है, और ये कितनी देर के लिए मैं चला रहा हूं इसको, 10 मिनट्स के लिए जो मैं उसको चला रहा हूं। तो हमारे को दोनों ही कंडीशन के अंदर हमारे को ये बताना है कि कौन सा हमारे पास टीवी ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा या हमारे पास टोस्टर जो है वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, वो हमारे को यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं जो मेरे को गिवन इंफॉर्मेशन है। एक तरफ मैं बात कर लूंगा किसकी, टीवी की, और एक तरफ मैं बात कर लूंगा किसकी, टोस्टर की। ठीक है, टीवी के अंदर मेरे को क्या बोल रखा है, टीवी के अंदर बता रखा है कि 250 जो है वो वॉट ये पावर कंज्यूम करता है, वन आवर के लिए चल रहा है, 250 वॉट और वन आवर के लिए ये चल रहा है, और इसके लिए क्या बता रखा है, 10 मिनट के लिए चलता है और 1200 जो है वो इसका पावर है। पी कितना है इसका, 1200 वॉट, और कितनी देर के लिए चल रहा है, 10 मिनट के लिए चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं अगर इसको कैलकुलेट करूं किसके अंदर, आर के अंदर, कितना हो जाएगा, 10/60। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो, या फिर इसको डायरेक्ट रख लो 1/6 आर, इस तरीके से रख लो। ठीक है, तो ये आर के अंदर दे रखा है, उसको मैंने आर के अंदर जो है वो कैलकुलेट कर लिया। फिर अगर मैं बात करूं कि कितना एनर्जी जो है वो ये कंज्यूम करेंगे, उसकी अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है, उसके अंदर फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू पी इंटू टी, ये पावर, वो कितने पावर जो है वो कंज्यूम करते हैं, और ये टी वो कितने टाइम तक जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो पी कितना है मेरे पास, 250, और आर कितना है, 1 आर। यहां से इसको कैलकुलेट कर लूंगा, उधर मैं अगर देखूं तो P कितना है, इज इक्वल टू P कितना है, ये रहा, R कितना है, 1/6 R। इसको जो है मैं यहां पे कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, फिर अगर मैं इसको किलोवाट के अंदर चेंज करना चाहूं, किलोवाट के अंदर अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं, देखो एक तो होता है वॉट, भाई कितने वॉट जो है ये कंज्यूम करेगा, जो मेरा रीडिंग होता है मीटर के अंदर अगर आप देखोगे तो मीटर के अंदर वोट लिखा हुआ नहीं आता, मीटर के अंदर लिखा हुआ आता है किलो वोट पर आवर, किलो वोट जो है वो पर आवर कितना वो कंज्यूम कर रहा है ये लिखा हुआ आता है। आप जब आपके घर के अंदर जो मीटर लगा हुआ है जिसके बेसिस पे आपके घर के अंदर बिजली का जो कितना बिल आया है वो उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो KWH आपके जो है वो देखने को मिलेगा, यानी कि KWH का मतलब है किलो वाट पर आर, यानी कि एक घंटे के अंदर कितना पावर जो है वो किलो के अंदर कितना वाट पावर जो है वो कंज्यूम हो रहा है। अगर वोट के अंदर दे रखा है कि भाई एक घंटे के अंदर कितना वोट, ये यहां से आ जाएगा, यहां से आ जाएगा, इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये सीधा सीधा बता देगा कि भाई इतना वॉट जो है वो एक घंटे के अंदर कंज्यूम हो रहा है, यहां से भी बता देगा कितना पावर जो है वो कंज्यूम हो रहा है, सीधा सीधा कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा। लेकिन अगर मेरे को किलोवाट के अंदर चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास आंसर आएगा इसको 1000 से जो है वो डिवाइड कर दूंगा, 1000 से इसको क्या कर दूंगा, डिवाइड जो है मैं कर दूंगा, फिर जाकर मेरे पास जो है वो आंसर जो है वो आ जाएगा। अब देखो यहां से इज इक्वल टू 200
अपॉन 1000 बचा, इससे मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो यहां से 200 आया और नीचे कितना हो गया मेरे पास 1000 जो है मैंने लगा दिया। क्यों? क्योंकि मेरे को आंसर जो है वो kWh के अंदर चाहिए, किलो वाट पर आवर जो है मेरे को इसके अंदर मेरे को आंसर चाहिए। तो इसको 20 से 20 कैंसिल और यहां से कितना हो जाएगा 1/5 यानी कि 0.2 kWh किलो वाट पर आवर ये आ जाएगा। यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं कितना हो गया 4, ये 4 हो गया तो इसको 1/4 kWh ये हो जाएगा। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर भी जो है वो आपके पास जो है वो आ जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन के अंदर मैंने आपको बता दिया कितना पावर जो है वो कंज्यूम करेंगे। अब बात आती है कि इसको जो है नोटबुक के अंदर, ये तो समझने की बात हो गई कैसे सोल्व करना है, लेकिन नोटबुक के अंदर कैसे नोट डाउन करेंगे वो यहां पर देखने वाली बात है। तो चलिए पहले, सबसे पहले हम बात करते हैं टीवी की। टीवी का कितना पावर कंज्यूम करता है 250 वॉट जो है वो कंज्यूम करता है, और कितने टाइम तक चला रहे हैं उसको 1 आवर के लिए हम चला रहे हैं। तो यहां से अगर मैं एनर्जी की बात करूं, सबसे पहले तो इसको मैं वॉट को जो है वो किसके अंदर कैलकुलेट कर लूंगा किलो वॉट के अंदर, तो 1000 से मैं इसको क्या कर दूंगा डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास ये कितना आ गया 0.25 किलो वॉट। तो यहां से अगर मैं पी रखूंगा कितना है ये रहा 0.25, कितने आर के लिए चल रहा है, कितने टाइम के लिए चल रहा है 1 आवर के लिए चल रहा है, तो मैं इसको 0.25 into 1, तो मैं यहां से मेरे पास एनर्जी जो वो कंज्यूम कर रहा है एक आर के अंदर वो कितना हो जाएगा 0.25 किलो वॉट पर आर, यानी कि एक घंटे के अंदर कितना वॉट, कितना किलो वॉट वो जो है एनर्जी कंज्यूम करेगा। और यही आपके अंदर जो इलेक्ट्रिक मीटर होते हैं उसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं, kWh वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर बात करते हैं जो हमारे पास टोस्टर जो है वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो पावर कितना कंज्यूम कर रहा है 1200 वॉट जो है वो कंज्यूम करता है, इसको अगर मैं किलोवाट के अंदर कैलकुलेट करूंगा तो 1.2 किलोवाट जो है वो आ जाएगा। कितनी देर के लिए चल रहा है 10 मिनट के लिए चला रहे हैं इसको। अगर मैं इसको जो है वो आर के अंदर कैलकुलेट करूंगा तो कितना हो जाएगा 0.167 आर जो है ये हो जाएगा, ठीक है, या फिर इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1.6 इसको लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करें तो ये कितना कंज्यूम करेगा, ये करेगा 0.20 किलो वॉट। ये कैसे कैलकुलेट किया यहां पर देखो, सिंपल वर्ड्स के अंदर मैंने आपको यहां पर समझा रखा है। अगर आप पहले इसको जो है वो किलो वॉट के अंदर चेंज नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, इसको इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए 1200 into 1/6, मैंने यहां पर भी इसको सिर्फ 1/6 के अंदर रखा है तो इसके मैंने कितना आ गया 200 आ गया। अब 200 जो है इसको 1000 से जो मैं क्या कर लूंगा डिवाइड कर लूंगा तो ये मेरे पास कितना आ गया 0.2 किलो वॉट पर आर। यहां पर 0.2 आपको यहां पर समझ में आ रहा है ये कहां से है, ठीक है। From the above calculations, it is clear that the TV set uses more energy 0.25 kilo hour, whereas toaster uses less energy 0.25. तो यहां पर अगर आप देखेंगे, तो ये कितना आएगा 0.25 किलो वॉट पर आर, और यहां पर कितना आ रहा है 0.2 किलो वॉट पर आर। तो ज्यादा एनर्जी कौन कंज्यूम कर रहा है, टीवी कंज्यूम जो है मेरे पास कर रहा है, टोस्टर तो 0.2 किलोवाट पर आर कर रहा है, लेकिन यहां पर जो टीवी जो है वो 0.25 किलोवाट पर आर कर रहा है।